भारत माता के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको लगा कि कोई नेता हमारे साथ ही नहीं है तो कहां लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जयराम खंडर का दिया, बिहार में आंदोलन की शुरुआत हुई, कई जगह और आंदोलन चला, पश्चिम बंगाल कई जगह विरोध हुआ, लेकिन झंडे के साथ किसी नेता ने अग्निपथ का विरोध नहीं किया। झंडे के साथ इस देश की राजनीति के अंदर अगर अग्निपथ का विरोध करके सेना के सम्मान पर सड़क पर कोई आया, वो नाबार्ड का शासक था, जिसने लोकसभा के जरिए कहा कि अग्निपथ मंजूर नहीं, हम अग्निपथ का विरोध करते हैं और अग्निपथ वापिस कराएंगे। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को फिर चेतावनी दी हमारे दिल्ली की तरफ, और मेरी चेतावनी के बाद जो 25% अग्निवीर वापिस ले रहे थे, 75% वापिस कर रहे थे, वो 25 का कोटा बढ़ा के 50% कर दिया कि अग्निवीर जो लेंगे 50% को एडजस्ट कर लेंगे। अब 75 वापस भेज रहे थे, अब 50 भेज रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन छात्र संघ की 14 की जो रैली है उसके बाद एक मूवमेंट दिल्ली की ओर करना होगा। दिल्ली को घेरने के लिए चलेंगे 2 लाख जवान, मोदी को झुकाएंगे और सेना का सम्मान भी देश के अंदर लौटाएंगे। ये भी मैं आगे मीडिया वाले इस बात को पूछेंगे कि अगला कदम क्या होगा, पहले से बता दूं मेरा अगला कदम दिल्ली की तरफ पे। अब तो राजधानी घेरेंगे, बड़ी राजधानी को घेरेंगे, वो जवान हो किसान के लिए लड़ा हूं। मेरी पार्टी का नारा था जय जवान जय किसान, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जब गठन हुआ, आपको पता है जब सिंबल मिला मुझे उस समय रैली चल रही थी, सिंबल लेना आसान नहीं होता, पार्टी बनना आसान नहीं होता, मैं नेताओं को पूछना चाहता था, जो कहते थे मुख्यमंत्री बनेंगे, अलग पार्टी बना लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बनाई ना पार्टी, आगे के पार्टी बन गई क्या किसी से, नहीं बनाई। और अगर कोई कह रहा मैं पार्टी बना के लड़ा, तो पार्टी बना के नहीं लड़े थे, उधार की पार्टी लाए थे किसी की, उधार की पार्टी का चिन्ह जैसे अलग थलग हुए उनको पार्टियों से निकलना पड़ा। भाइयों पार्टी अगर राजस्थान में बढ़ाई तो नौजवानों के संघर्ष, किसानों का आशीर्वाद, सलमान बेनीवाल ने पार्टी को बना के प्रयास किया तो बोतल का चिन्ह मुझे मिला है कि लोकसभा चुनाव के अंदर बोतल का चिन्ह कांग्रेस बीजेपी ने मुझसे छीन लिया था। मैं टायर पे भारतीय जनता पार्टी के 24 एमपी बिठा कर दिल्ली ले गया था, अगर 25 सीटें बीजेपी की आई गठबंधन में तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बड़ा योगदान था। तो भारतीय जनता पार्टी 4 महीने पहले चुनाव हारी थी राजस्थान में, वो एकदम से 25 सीट लेती है क्योंकि आरएलपी के नौजवानों ने प्रधानमंत्री को वोट दिया। और वो गठबंधन में मैंने आप लोगों को पूछ के किया था, बताओ क्या करें, कि दादाजी से पिता पुराना नागौर के अंदर किससे करें, बताओ 1.5-2 लाख वोट कम पड़ रहे थे, तो सबने कहा मोदी वाले पार्टी से कर लो, दिल्ली में गठबंधन, फिर आपने तोड़ दिया, अब और क्या चाहते हो, क्या परिचय लेना चाहते हो, बताओ लोगों को सत्ता में रहे 25-30 साल उनको तो पूछ नहीं रहे, बर्बाद कर दिया राजस्थान को, उनको पूछ नहीं रहे, एक आदमी लड़ रहा आपके लिए जो ये झंडा लगा के नहीं लड़ना चाहता, बिना झंडे के लिए भी आंदोलन को तैयार है। आप ये बताएं क्या अशोक गहलोत कांग्रेस को बिना झंडे के किसी मंच पर जा सकता है, क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बिना झंडे का आ सकता है क्या मंच पर। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने यह कहा कि मेरे छोटे भाइयों के लिए मैं बिना झंडे की सड़क पर लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन कोई आया ही नहीं, जब कोई नहीं आया तो मुझे लगा कि मेरा अगर झंडा नहीं गया तो पुलिस वालों से मैं कार्यक्रम नहीं कर सकते राजस्थान के अंदर। हनुमान बेनीवाल झंडा लेके आपके बीच आया, और मैं यहाँ दूसरे जो छात्र नेता बैठे हैं मैं को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरा जो संघर्ष उसमें कई पार्टियों के छात्र नेता जो कभी कोई जीता, लेकिन उनके मन में हनुमान बेनीवाल बचता है, वो कहते हैं हनुमान जी हमारे भाई हैं, और जितने भी छात्र नेता अलग अलग संगठनों को उनका मैं स्वागत करता हूँ। उनको ये नहीं कहूंगा कि छात्र संघ का चुनाव तुम्हें लड़ना है, मेरी पार्टी का कोई संगठन नहीं राजस्थान का, मैं तो तुम लोग लड़ते हो जितनी मेरे से मदद होती मदद करता हूँ, और एक बात कहता हूँ आपस में लड़ना नहीं है, चुनाव जीतने के बाद बच्चों का ध्यान रखना, गरीब किसान के बेटों का ध्यान रखना, हमेशा मेरे पास सुनो, ये भी कहता हूँ कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना, हम किसान के बेटे किसान की बेटियां, हमें किन तकलीफों के दौर से नरेगा में मजदूरी करके हमारे माता पिता पढ़ाते हैं, अगर हम नशे के अंदर चले जाएंगे या हम बदमाशी करके गलत ट्रैक पे चले जाएंगे, हम अपराधी बन जाएंगे, उन माँ बाप को कौन देने देगा गाँव के अंदर, बताओ कौन बोलने देगा। ये हमेशा से मेरी बात रही और उसी का परिणाम है आज आप इंतजार कर रहे हो, लोग कहाँ इंतजार करते हैं, जवान किसी का इंतजार नहीं करते, और मुझे इस बात की खुशी है
कि मैं मंत्री बना या नहीं बना, लेकिन इस देश और प्रदेश के अंदर राजस्थान का सम्मान बढ़ाया देश में और प्रदेश में, जिले का, आप विश्वविद्यालय का जहां मैं रहा, जिस स्कूल में पढ़ा। आज तो लोग ये भी कहते हैं कि 1985 में हनुमान जी के साथ पढ़ते कादर बच्चों को जानता हूँ, याद है, लेकिन करीब वो कहते हैं कि हनुमान जी हमारे स्कूल के सहपाठी थे, हमारी कॉलेज के थे। जिस तरह आप कहीं अजमेर का कोई व्यक्ति है कि दिल्ली में चला जाता है, अब सब कहते हैं हमारे अजमेर का, वो हमारे यहाँ का था, हमारी स्कूल में पढ़ा, हमारी कॉलेज में पढ़ा। तो भाइयों, जब भी संघर्ष की बात चलती है, अब तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी केंद्र के दोनों पार्टियां मेरे पे भी आरोप लगाएंगे, ये दोनों वाले ना शेर खुद ही बोलते हैं, ये मान के क्या छात्रों की बच्चों की राजनीति करते हो, किसकी राजनीति में बताओ। आप बताओ 18 साल के बाद वोट लगता है, छात्र युवा है और युवा छात्र, छात्र जब डिग्री लेता है यूजी के बाद पीजी, पीजी के बाद उसे कोई भी कहता है और डिग्री लेता है तो युवा रहता है, वो बेरोजगार भी वही है और बेरोजगार छात्र है युवा है, तो प्राइवेट ये पूछ है। इसलिए मैंने इस रैली का नाम दिया छात्र युवा, छात्र युवा छात्र अधिकार, छात्र अधिकार युवा हुकार, छात्रों को उनका हक मिले, छात्र चुनाव हो इसी तरह से हो जिस तरह पंचायत चुनाव पालिका चुनाव फिर समय पे होता है। हमारे एक अलग आयोग बना, चाहे मिनिस्ट्री के अंदर में बनाए, चाहे किसी के अंदर में बनाए, चाहे हमें स्वतंत्र करें। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय कॉलेज के अंदर जिस तरह पुलिस दिखाई देती है, हमारे जमाने में तो नहीं थी, किस तरह नहीं थी, हाँ आई थी पुलिस एक दिन जब हमें पकड़ के ले गई, एक नहीं आई थी सौ आई थी, काम ही हमने ऐसा किया था। वो किससे आपको पता लग जाएंगे, जो छड़ियों पर मिल जाएंगे हनुमान जी क्या क्या, वो आपके लिए लोग छात्र में टेक बनाने बाद पढ़ने के बाद कौन क्या करते हैं, वो जो जमीन पे कब्जा करता है, वो दूसरे काम करता है। एक व्यक्ति था अध्यक्ष बनने के बाद भी आपकी सेवा करी और कहा कि मेरे भाइयों को आगे लेके जाऊंगा, जो मैंने कमिटमेंट किए वो पूरे करूंगा। सत्यराज जी भूख हड़ताल करी और राजस्थान सरकार के 3 मंत्रियों को जेल के अंदर बुलाया और जेल में 17 दिन बाद भूख हड़ताल तोड़ी और सारी मांग मनाई राजस्थान के इतिहास के अंदर पहली बार जेल के अंदर रहता है और राजस्थान की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुकाता है और जेल से बाहर आता है। वो किसके लिए आता है, आपके लिए आता है। मैं तो लड़ाई क्योंकि मुझे कोई पद का लालच नहीं, और किस पद का, जिसको जिस पद का लालच नहीं कोई व्यक्ति कैसे भी करे। भाइयों, ये बीजेपी के लोग ईडी और सीबीआई से कांग्रेस वाले कितने डरते हैं, ईडी आ जाएगी सीबीआई आ जाएगी और बीजेपी लोग कह दो एक मुख्यमंत्री हो गया एसीबी आदमी भाग खड़े होते हैं कि आप ऐसा करो हमारी यहाँ मदद करो, दिल्ली में आपके करा जाएंगे, ये गंदा कर रहे हैं सारे। लेकिन हनुमान बेनीवाल ईडी सीबीआई से नहीं डरता, उसे डर लगता है ऊपर वाले से, जरा वो किसी से नहीं डरता क्योंकि वो तो आपकी तरह आम आदमी है। क्या करेगी थी अगर जांच भी करेगी, 4 जोड़ी कपड़े और 2 जोड़ी जूते मिल जाएंगे, उसमें तो कैसे नहीं पड़ता है का। जो कोशिश करेंगे तो ऐसे करके भाई, ये संघर्ष का ही परिणाम है कि आज खुल के आपकी पैरोकारी कर रहे हैं। वसुंधरा कितनी चिट्ठी थी, अगर वसुंधरा का दिमाग ठीक किया, किसने किया राजस्थान के अंदर, आप बताओ क्या कोई बीजेपी के नेताओं जिसने किया, आप कह रहे हैं वसुंधरा को अलग लाइन लगा दिया, तो मैंने लगाया था, इन्होंने क्या लगाया, ये तो आई बात ना पाए 2-3 साल के लिए। वो संघर्ष देखो आप 2003 से लेके 2018 ये बच्चे कहाँ निकल पड़े, अरे बच्चों 2 मिनट तो रुको बेटा, अच्छा ठीक है ओके पानी इनको मदद बच्चों की। 2003 से लेके 2018 कई नेता है 5 साल पहले मुझे खेल गया दिल्ली में नेता, वो कहता हमने वसुंधरा को ठीक कर दिया, मैंने कहा आप आए थे कब मुझे 14 में, मैंने कहा 3 से 14 पहले हमने ठीक कर दिया, आपने क्या किया, बाद में आए थे कहाँ से कर दिया, हाँ हमने ठीक कर दिया और आपने मोर लगा कि बीजेपी का हमने ठीक कर दिया। भाइयों, गहलोत का भी बड़ा अभिमान था, अशोक गहलोत कहते थे मैं जादूगर हूँ, मैं से बड़ा कोई जादूगर नहीं, इसके बेटे को हरा के जोधपुर में कहा कि आप जादूगर नहीं हो, जादूगर को तो बना दिया सपेरा, सुनो और सपेरे की हो गई नागिन, वो कौन सी थी आपको ध्यान है, सपेरे की नागिन, सपेरा बीन बजाए और नागिन नाच जाए, ये अब कोई
आप तो ये बताओ मुझे, क्योंकि छात्र नौजवानों के लिए कुछ किसान कुछ हमारे भाई धरनाथ की जो जनता जनता के वो भी लोग आए हैं, वहां भी अपन चलेंगे। उसके बाद क्योंकि छात्र और जवान है तो किसान तो आएगा ही, तो ज्यादा 80% तो इनकी बच्चे किसान ज्यादा काम हो जाएगा। जय हो हनुमान पेटवाल जिंदाबाद, हमारे नेता कैसा हो हनुमान पेटवाल जिंदाबाद। मैं अजमेर कर आपको आमंत्रण देने के लिए आया हूं कि आपको कैसे व्यवस्थाएं करनी है, कैसे क्या करना है। वैसे ट्रेनें तो चला रही सरकार, उसमें व्यवस्था करनी थी, चल जाना है, वापिस जाना है, क्या जाना है, हाथ धोके चढ़ो वापिस आ जाओ, उस दिन तुम्हें कोई चेक नहीं करेगा, बता दूं आपको, ठीक है। एक तो हुई ट्रेन और दूसरे जिन जिनके पास गाड़ियां हैं वो गाड़ियों से आएंगे, और गाड़ियां नहीं है तो व्यवस्था ये टीम यहाँ बैठी है, बैठ के हम हमारे हिसाब से बात करेंगे। अजमेर जिले से कितने बच्चे आएंगे 14 तारीख को बताओ भाई, कितने आएंगे? 100 गाड़ी तो मतलब 10,000 मान लें क्या? टोटल टोटा तो जाएंगे आप बताओ उतने बोलते अजमेर जिला, मतलब अजमेर आपका इमेज आ गया पूरा, तो मान के चले 10,000 तो आएंगे, जो फिर 1-1.5 लाख कैसे होंगे? तो अजमेर से आपको 14 तारीख को कूच करना है। ये जो गहलोत जी रेवड़ियां बांट रहे हैं, नड्डा यात्रा निकाल रहा है, ये बंद हो जाएगी बीच में, जब आप 1 लाख जयपुर के अंदर जाओगे जाम हो जाएगा सारा इनका, उनको याद आएगी नौजवानों की कि हमारी सरकार ने नौजवानों की ताकतों की इनके तरफ से बढ़ी है भाई। यहाँ खास तो कांग्रेस बीजेपी ने किया, सबसे ज्यादा वोट कौन डालता है? बूथ के जवान छात्र इनके क्षेत्र में इस तरह कुचलना, शासन को कमजोर करना, इसका हम विरोध करते हैं। 2004 से लेकर 2010 जब वसुंधरा की सरकार के समय चुनाव बंद हुए थे, और 2008 में जब विधायक बन के गया, 9-10 के अंदर चुनाव कराए, बेल में धरना दिया, और मेरे साथ कांग्रेस बीजेपी जो तमाम यूनिवर्सिटी के पूर्व के जो विधायक थे वो भी आए, और सीएम ने कहा कि हम चुनाव करवा रहे हैं। ये आपको वीडियो मिल जाएगा, 9-10 से पहले भी चुनाव हम नहीं कराया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि सेकंड पीढ़ी के नेता भी तैयार है। कई लोग क्या करते हैं, वो अपनी पीढ़ी करते हैं और दूसरा वो करते हैं कि उनको नेता बनाना होता है अपने बेटे को, बेटे की बहू भांजा भांजी भतीजा भतीजी, तो फिर दूसरे नेता उसको पसंद नहीं। मुझे सीएम को एक चीज और लग रही है कि सीएम आकर सांसदों के इसलिए भी डरे हैं बोखला के कि अपने जमाने में ये रुचि का चुनाव नहीं जीते, उनको पीछे नहीं हटा जाता, ये सोच रहे मैंने सब कुछ पा लिया, 3 बार मुख्यमंत्री बन गया, क्या नहीं बना? बोले यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष नहीं बना। अरे छोड़ यार, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष बड़ा होता है, मुख्यमंत्री बना तो दिमाग कर रोज तुम्हें तो मैं गहलोत साहब को ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बनने के लिए मंजूर हो रही है, अभी सेम बड़ा होता है, सब कुछ होता है, तो आप एक ऑर्डर ये भी जारी करते हैं रोज रेवड़िया बांट रहे लिख दो कि मैं तमाम विश्वविद्यालयों का अध्यक्ष खुद ही घोषित होता हूँ, तो कम से कम आपके मन की निकल जाए उन बच्चों को बोलते चुनाव चालू हो जाए, मन में एक ही बात और कोई दूसरी बात। और बीजेपी वाले यही चाहते हम हार गए हमारा माहौल खराब हो जाएगा, यार जो माहौल की चिंता करता है ना वो कभी किसी का भला नहीं करता। कोविड के अंदर आपने देखा होगा, कोरोना के अंदर कैसे कोरोना फैला देश के अंदर बताओ मुझे, जिस दिन कोविड का पहला पेशेंट आया उस दिन इंटरनेशनल फ्लाइट पे अगर रोक लग गया थी, बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आता, कोई नहीं फैलता, प्रधानमंत्री लोकसभा में कह रहे थे देखो भारत के अंदर कोई नहीं आएगा, हमने सोचा कोई जादू मंत्र लाया होगा, कौन नहीं आएगा, इतना भाषण क्यों बना दिया जैसे लग रहा है, और देखो हम लोकसभा चल रहे हैं, मुझे लगा हमें कोई नहीं जाएगा, लोकसभा चलाई 2 महीने तक कोविड आ गया और आया तो इसमें लेके जोड़ी झंडे भाग गया अपने दोनों, 50 लाख लोग मरे, कितने 50 लाख लोग मरे कोविड के अंदर, कौन आया कोविड ये लाए जिनके पास हवाई जहाज हो, जिनके पास बाहर का पासपोर्ट या वीजा लेने की ताकत हो, कोई व्यक्ति बाहर की फ्लाइटों पर रोक लगा सकता एक स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी लगा के, और अगर वो उनसे बच गया गहलोत साहब से सेकंड जमा बचा मेरे पास आ जाएगा, तो भाई ये स्थितियां राजस्थान में थे, ये स्थितियां देश से जेली, हमने कोविड का वो दूसरा काल भी देखा
जब ऑक्सीजन के अभाव के अंदर छोटे बच्चे दम तोड़ रहे थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, हमें आईसीयू वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, अगर किसी को हॉस्पिटल में भर्ती करा देते वो ये कहता था कि जीवन भर आपका एहसान देगा, एमपी साहब भर्ती करा दो, ऐसा की बात नहीं है। उनको ये लगता था कैसे ही करके हम भर्ती हो जाए ऐसे अस्पताल में तो हमारी जान बच जाए। भाइयों ये समय भी हमने देखा, समय को भूलो मत, याद करो दिन जब इन तकलीफों के लिए कौन जिम्मेदार था, या तो बीजेपी थी या कांग्रेस थी। आज हमारी बहन बेटी रात को 12 बजे सड़क पर नहीं निकलती, 10 बजे नहीं निकलते, और स्कूल से अगर बच्चे कॉलेज से 5 मिनट लेट हो गए तो माँ बाप की चिंता होती है, बच्चे का मोबाइल लगाओ, पता करो टैक्सी वाला वैन वाला कौन है, कहाँ है, कैसे, ये किसने की तकलीफ, किसने अपराध बढ़ाया, किसने गैंग वॉर बढ़ाया राजस्थान के अंदर, कोटा के अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट के 29 छात्र आप क्या करते हैं, कौन जिम्मेदार है, वो कोचिंगों के मालिक जिम्मेदार है, वो बच्चों का ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ पैसा लूटने के अंदर करते हैं। कोटा के अंदर भी बड़ा प्रदर्शन में एक बार जाके करूंगा, बच्चों को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन कोचिंग वालों को मैं कहेंगे इलाज करने के मूड में हूँ, कैसे इनका इलाज कर सके ये मैं जरूर कहूंगा। भाइयों छात्र संघ चुनाव कराएंगे, नौजवानों को न्याय दिलाएंगे और बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे। जिन मुद्दों को लेकर जयपुर के अंदर अपनी चर्चा को ले लिए उसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर अजमेर के क्षेत्र से हमारे छोटे भाई छोटे बहने बेटियां बच्चे बड़ी तादाद के अंदर इस राजस्थान को बचाने के लिए, छात्र संघों को बचाने के लिए, लोकतंत्र की पहली सीढ़ी को बचाने के लिए, और एक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का दिमाग ठीक करने के लिए तुम निकल पड़ो, तुम्हें वेट मत करो। तुम्हें विद्यार्थी क्या है तुम्हारे संभाल के आया, अभी जो बच्चा जिनको कमेटी की आड़ में अगली बार चुनाव नहीं ले पाएगा वो कैसे लड़ेगा, जिंदगी चली गई, छोड़िए अभी एक साथ जुड़ जाए। अभी हमें राजस्थान की सरकार को झुकाना है, राजस्थान की सरकार कैसे झुकेगी, एक लाख 1.5 लाख से ज्यादा जयपुर की सड़कों पर आ जाओगे तो मैं सरकार को 3 घंटे में झुका दूंगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। ज्यादा आप सबने सहयोग आशीर्वाद रखा, आगे भी आपका सहयोग आशीर्वाद करेगा। अजमेर से अगर आपने मजबूती दे दी, अजमेर राजस्थान का मिड है, अजमेर राजस्थान का मीड है, बच्चों बच्चे मीड है, और मैं भी अजमेर संभाग से आता हूँ, हमारा राघव का संभाग है अजमेर, अजमेर से पूरा लगाव हमारा, लेकिन अजमेर से अगर शुरुआत करती है तो ये समझो कि सरकार भी आपकी बन जाएगी। पिछली बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को वेंटिलेटर है और बीजेपी को 70% पर किसने डाला, जवानों ने, आरएलपी की हुंकार रैलियों ने जगा दिया राजस्थान को, लेकिन अब की बार राज की बारी है, सत्ता माना इस बार, सत्ता माना आसान है, 80 लाख वोट पिछली बार ये हम सबने मिलके 1 करोड़ 39 लाख के करीब कांग्रेस थी, 1/36 बीजेपी को मिले, 80 लाख लिए थे, मुझे मैं तो 9 लाख थे, क्योंकि मैं तो मदद करने ज्यादातर लोगों को याद तो आ गया कि आप मेरे अंकल लगते हो, कोई बोला मेरे मामा जी लगते हो, कोई कहा मेरे वो लगते हो भाई साहब किचन का साहब, कैसे करके हमारी बात रख दो, मारो मत किचन का वैसे मत मारो राजनीति, तो मैं धीरे व्यक्ति हूँ, इस बार मदद नहीं होगी, मदद होगी इन जवानों की, मैं लड़ूंगा राजस्थान को बचाने के लिए, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी, अजमेर की तमाम विधानसभा क्षेत्र में आपकी चुनाव लड़ेगी, कोई राजस्थान के आपको और अगर गठबंधन भी करना पड़ा तो कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर तमाम उन दलों से जो दलित की बात करते हैं, जो पिछड़े की करते हैं, जो शोषित की करते हैं, उनके साथ लड़ जाएगा, करना होगा, और नहीं हुआ तो 200 पक्की है कैंडिडेट तो मजबूत, मुझे लग रहा है लड़ना में मिली एक एक सीट पर 10-10 मिलोग लेकिन वोट लाना पड़ेगा। आप सबको धन्यवाद।